बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह के फजल व करम से अच्छी हालत में होंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने लास्ट टाइम अपनी जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसको हमने थ्री यू कैन से मेजर डिविजन्स हमने उनकी की थी। फर्स्ट के हमने रिव्यू ऑफ क्लासिकल फिजिक्स का हमने रिव्यू किया था एक्चुअली, और हम इसमें देखा था कि क्लासिकल फिजिक्स आपके जो मोशन है जो आपके डेली लाइफ में या डेली आप उसको देखते हैं आपके उसमें है ऑब्जर्वेशन में आपके यूज़ में जो कुछ भी है उनको फुली डिस्क्राइब करती है, ठीक है। उस पर कोई इशू नहीं होता। जब आपने मोशन का हमने एनालिसिस किया, हमने कंजर्वेशन लॉज को अप्लाई किया तो सब कुछ वेल एंड गुड था। लेकिन उसके बाद हमने कुछ फेलियर ऑफ क्लासिकल कॉन्सेप्ट को देखा। ये हमारा सेकेंड मेजर एक डिस्कशन थी। इसमें हमने उस एक स्पेसिफिक केस को देखा, एक आई टॉक टू से स्पेशल केस था जिसमें आपकी जो स्पीड है वो बॉडीज़ की या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वो अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट को। जब आप इस लिमिट पे पहुंचते हैं, जब ये लिमिट अप्लाई करते हैं ये अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ पे जो आपके क्लासिकल कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं देते, ठीक है। वो उनको हमने कहा फेलियर ऑफ क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, स्पेस, वेलोसिटी, वेलोसिटी एडिशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें कुछ इश्यूज होते हैं, और जो ये स्पेशल केस था मींस के आपके जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या बॉडीज है व्हाटएवर कुछ भी जो आप देख रहे हैं वहाँ पे स्पीड बेसिकली अप्रोच कर रही है स्पीड ऑफ लाइट को, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने थर्ड नंबर पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देखा। उसमें हमने उसके पास्टुलेट्स किए, उन पास्टुलेट्स से हमारे क्या कंक्लूजन निकलते हैं, क्या हम कंक्लूड करते हैं, किस किस्म के इनक्रेडिबल रिजल्ट्स पे हम पहुंचते हैं, हमने उसको सारा डिस्कस किया, ठीक है। तो अगर आपको याद हो बहुत शुरू के लेक्चर्स में हमने जिक्र किया था कि मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली टू जो मेजर ब्रेक थ्रू है उन पर बेस करती है, एक है रिलेटिविटी और दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो जो हमारे बिग एक्सपेरिमेंट्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स जो बेसिकली एक बेस बने थे हमारी न्यू फिजिक्स की एक डेवलपमेंट का, ये जिसकी वजह से हम एक स्मार्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं, बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशनरी चेंज आई है। तो उन एक्सपेरिमेंट्स में से एक जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। हम बेसिकली इन्हीं की एप्लीकेशंस को देखते हुए इन्हीं से लर्न करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स को। तो यहाँ पे हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। एक्चुअली सबसे पहले हमने ये लर्न किया कि फोटो है एंड स्टैंड फॉर फोटॉन्स, लाइट को कहते हैं, और इसका इलेक्ट्रिक है तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन्स को आप अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से एक है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होता है, स्मॉल पार्टिकल है और एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसका कोई सबस्ट्रक्चर नहीं है, और ये रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को आपको पता चल गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज फोटॉन, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि फोटॉन एक्चुअली क्या होता है। फोटॉन बेसिकली इट्स जस्ट अ पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी, इट्स जस्ट एनर्जी, और जबकि लाइट है बेसिकली दैट इज कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स ही बेसिकली आपकी लाइट बनाते हैं, ठीक है। और अगर हम इनकी एनर्जी की कहते हैं कि पैकेट ऑफ एनर्जी है या हमारा बंडल ऑफ एनर्जी, अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें तो आपको याद होता हम ऑलरेडी इसको टू सम एक्सटेंट डिस्कस कर चुके हैं कि दैट इज ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। अब इसमें एच क्या है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, आर फोटॉन, और सी आपकी स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज़ को देखूं कि मैं इसको रिलेट करना चाहूं कि न्यू किसके बराबर होता है, अगर मैं कलर चेंज करूँ जैसे जब इनफ्लाइट हो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, तो ये आता है सी ओवर लैम्डा, ठीक है। और इसका ये मतलब हुआ कि ई इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा इन सी ओवर लैम्डा, ठीक है। इसी से अगर हम फर्दर कंक्लूड करें तो हम ये देखते हैं, अगर मैं इस वाली इक्वेशंस को लेके आऊँ कि ई इसको
प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है. और इसी तरह ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, विच मीन्स कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी मीन्स लो एनर्जी, इसी तरह से हाई वेवलेंथ मीन्स लो एनर्जी एंड लो वेवलेंथ मीन्स हाई एनर्जी. तो ये इनका रिलेशनशिप पाया जाता है एनर्जी का वेवलेंथ, क्योंकि हम क्यों वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को देखते हैं कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वेव और सॉरी रेडिएशन और लाइट और रेडिएशन, ये हमारे पास जो चीज़ें होती हैं बेसिकली वो होती हैं जो इसको कैरेक्टराइज करती है, दैट इज वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. ये एक वेवलेंथ है, ठीक है. इसका ये मतलब है कि ये बड़ी वेवलेंथ है और यहाँ पे एक ये वेवलेंथ है, इसका मतलब ये छोटी वेवलेंथ है. लेकिन ये बड़ी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है एज कम्पेयर टू इसकी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. इससे सब वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी को आपस में डिस्क्राइब करते हैं, इनके रिलेशनशिप को देखते हैं, ठीक है जी. अब अगर हम देखना चाहें फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अपने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं, इसको आप समझें कि ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे जो इसके पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी. ओके, अब हम देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जी फोटॉन की. अ फोटॉन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. फोटॉन इज बेसिकली लाइट, इसकी जो स्पीड क्या होगी वही जो हम स्पीड ऑफ लाइट को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज जीरो रेस्ट मास. रेस्ट मास कहते हैं जब आपका पार्टिकल रेस्ट पे हो, ठीक है, मूव ना कर रहा हो, तो इसका रेस्ट मास जीरो होता है, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि फोटॉन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट. ये एनर्जी है जो कि जब तक मोशन में होती है, आप इसकी आपकी वैल्यू आती है, अगर ये किसी से स्ट्राइक करती है या ये क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, विच मीन्स कि फोटॉन वैनिश हो जाता है. इसका रेस्ट मास जीरो है, ठीक है जी. अच्छा, अब इस तरह से एक और पॉइंट है, हम कहते हैं कि इसका रेस्ट मास अगर जीरो है तो जब ये मूव कर रहा होता है, हम कहते हैं इसको काइनेटिक मास, उसका वो क्या होता है, वेल नोन इक्वेशन है, हम जानते हैं इसको E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ठीक है. इसका क्या मतलब है कि एम आपके पास किस चीज के बराबर आ जाएगा, ई ओवर सी स्क्वायर, ठीक है. और इसी तरह से अगर आप ई की वैल्यू लेंगे जो कि हमने ऊपर निकाली थी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, दैट इज एच सी सी स्क्वायर ओवर लैम्डा, ये सी से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एच ओवर सी लैम्डा. ऑफ कोर्स आप इसको इन टर्म्स ऑफ न्यू भी कर सकते हैं, मींस कि आपके पास क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म में मिलता है या आप अपनी फ्रीक्वेंसी या इसकी जो वेवलेंथ है उसी से इसकी एग्जिस्टेंस को शो करते हैं, ठीक है. अब एनर्जी के बाद जो हम दूसरा पॉइंट देखें वो है दैट इज मोमेंटम. आपको याद होगा कि हमने रिलेटिविटी में जब किया था हमने एनर्जी का फॉर्मूला बनाया था, ये एम सी स्क्वायर, याद है आपको क्या चीज़ था. अगर आप लोग अच्छा लगेगा मुझे कि आप इसको थोड़ा सा यहाँ से सुनो, रिमूव कर के साथ साथ अगर आप इसका अपनी चैट में लिखते रहें तो आपको भी एक अपना रिवाइज होता जाएगा, मुझे भी लगेगा कि आप लोग कितने चीज़ें आपको याद हैं या आप उनको किस तरह से अभी मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, ठीक है. ये एम सी बेसिकली था जिंदगी जो चीज़ थी ये वाली, That was rest mass. तो फोटॉन का रेस्ट मास क्या है जी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया. हमारा पहला पॉइंट ये था कि रेस्ट मास इसका क्या होता है, जीरो, बीच में ये टर्म आपकी किसके बराबर आ गई, जीरो. तो आपके पास आ जाता है ई इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे आपके पास पी सी आ जाता है. इसका ये मतलब है कि आपका मोमेंटम किस चीज़ के बराबर होगा, मोमेंटम E इज इक्वल टू E ओवर C, ये किसके बराबर आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ न्यू दिस इज H न्यू ओवर C है, या क्या आ जाएगा H ओवर लैम्डा,
ठीक है, ये चीज आपके पास आ जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रेडिएशन है, लाइट है, वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना ये, तो हम देख रहे हैं कि इनकी एनर्जी को और इनके मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि आपको फाइंड आउट करना मोमेंटम गिवन हो, अपनी एनर्जी फाइंड आउट करनी हो, इसी तरह से आपको कोई और चीज मोमेंटम आ सकता है या आपको न्यू फाइंड आउट करना हो या लैम्डा फाइंड आउट करना हो, तो ये छोटे फॉर्मूला आप याद रखेंगे और इससे आप अपना कोई जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ठीक है जी, फोटॉन्स ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको पता है कि लाइट बेंडिंग होती है, लाइट क्या होती है, लाइट स्ट्रेट अगर आप उसको देखते हैं तो वो गुजरती है। ठीक है जी, एनर्जी ऑफ अ फोटॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। अभी हमने ये देखा है कि ई और एम न्यू का हमने रिलेशनशिप देखा है कि ई प्रोपोर्शनल है न्यू की। ठीक है, अगर फोटॉन की जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे, तो इसका ये मतलब है कि एनर्जी ऑफ द फोटॉन डस नॉट चेंज व्हेन फोटॉन ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर। दैट्स व्हाट कि एयर से अगर उसने वाटर में जाना है आपकी लाइट ने, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह और मीडियम में जा रही है तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पे क्या चीज़ चेंज होती है, दैट इज वेवलेंथ। हम वेवलेंथ को देखते हैं, वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन चेंजेस इन डिफरेंट मीडिया, सो वेलोसिटी ऑफ अ फोटॉन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, एनर्जी रिमेन सेम इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, बट वेलोसिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है जी, ये चीज हमारा यहाँ पे इसका कंक्लूजन आ रहा है। ओके जी, अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फोटॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। आप समझेंगे कि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, फोटॉन्स आर मैसलेस एंड चार्जलेस पार्टिकल, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है जी, अगला पॉइंट आ जाता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको बाद में देखेंगे, दैट इज अबाउट डिफ्रैक्शन। फोटॉन्स मे शो डिफ्रैक्शन अंडर गिवन कंडीशंस। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इसका एक एस्पेक्ट आता है, डिफ्रैक्शन भी इसका एक एस्पेक्ट आता है। ठीक है जी, अच्छा अब आगे हम क्या देखते हैं कि फोटॉन्स आर नॉट डिविएटेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस पॉइंट को आप देखें, दैट इज रिलेटेड टू दिस पॉइंट, व्हेन वी हैव डिसाइडेड दैट फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, व्हिच मींस कि अब इनको मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, बिकॉज ये इन्फ्लुएंस करती है चार्ज पार्टिकल्स को, और फोटॉन्स को हम कह रहे हैं कि फोटॉन आपका न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल एंटिटी में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट नहीं करती, उनकी वजह से उसके बाद में या उसको जो भी जहाँ जा रहा हो तो उसको डिविएट नहीं करती। सो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं फोटॉन के, कि हमने समझा कि फोटॉन क्या होता है। ठीक है, ये लाइट है बेसिकली, हम लाइट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसकी क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट देख रहे हैं। ठीक है जी, और आप अगर मैं इसका क्विक रिव्यू करूँ तो उसमें ये है कि इनके पास एनर्जी होती है और मोमेंटम होता है इसका, और जो इसका रेस्ट मास है वो जीरो होता है, मैसलेस पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। और इसके अलावा हमने ये देखा कि जो इनकी एक मीडिया से अगर ये दूसरे मीडिया में जाए तो इनकी एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ता, वेवलेंथ पे फर्क पड़ता है, तो इस वजह से वेलोसिटी डिफरेंट होती है। और इसी तरह से हमने देखा कि न्यूट्रल पार्टिकल है, इनका कोई चार्ज नहीं होता, अगर चार्ज नहीं होता तो इसका ये मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते। आई होप कि आपको फोटॉन्स की जो प्रॉपर्टी है या थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग डिवेलप हो गई होगी। ठीक है, अब अगर जब आप फोटॉन को समझने के काबिल हो चुके हैं तो इस स्टेज पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं अपने जो फर्दर हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ फिनोमेना, इसका ये एक प्रोसेस है ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सर्फेसेस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। हमने चूंकि इसको हाउ टू से वो डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप इसकी एक जो डेफिनेशन है उसको देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये समझ सकते हैं कि एक प्रोसेस है कि जब लाइट फॉल करती है किसी स्ट्राइक करती है किसी मेटल सरफेस पे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं।
ठीक है, लाइट की आपको एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर वो लाइट उस फ्रीक्वेंसी से जो और मेटल के डिफरेंट होगी, डिफरेंट अगर कम होगी उससे, तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करता। ठीक है, इसको हमने डिटेल से भी कुछ पहले डिस्कस किया, कुछ अभी हम कर लेते हैं। दूसरी सेकेंड इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इस प्रोसेस में, इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय लाइट फोटॉन्स, तो इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जो इनकी मूवमेंट से हमारे पास जो करंट मिलता है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी, ये चीज़ हो गई, इस चीज़ को हम एक्चुअली कर चुके हुए हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको उसमें नहीं करूँगी और बदल नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी कि हम इसका एक तरह का क्विक ओवरव्यू करते हुए हम अपने नए चीज़ से पहुँचे। ठीक है, अगर हम आपको याद हो तो हमने इसका एक छोटा सा एक सेटअप बनाया था, कलर चेंज करना चाहती हूँ। दैट वॉज कि आपके पास एक मेटल सरफेस है और ये भी एक मेटल है, और इनको आपने ज्वाइन करना है। यहाँ पे आपने करंट मेजर करने के लिए कोई चीज़ लगाई है, यहाँ पर आपने एक बैटरी लगा दी। बेसिकली हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगाते हैं डिफरेंट, जहाँ से आप अपने वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर सकें पोटेंशियल को। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हैं, अब यहाँ पे सरफेस पे लाइट फॉल कर रही है। ठीक है, और क्या होता है, इसके फॉल करने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन चलते चलते कहाँ पहुँच जाते हैं जी, मैं इनको बना लूँ तो फिर आपको बताती हूँ कि ये कहाँ पर जा रहे हैं। ये जी, जहाँ पर आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल, सॉरी, आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल है तो ये आपका क्या हो गया, कैथोड हो गया। यहाँ पे आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ये आपका क्या हो गया, एनोड हो गया। ठीक है, अब आपके पास हम यहाँ से देख, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास चीज़ें क्या, ऑफकोर्स ये किसी क्लास उसमें है, आपने इनको रखना चाहते हैं, तो आपका सेटअप है ये एक उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप को हम इतना ज़्यादा उसका नहीं कर रहे। ठीक है, हम सिर्फ अपने जो एक प्रोसेस है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है जी, इंसिडेंट लाइट है, फर्स्ट ऑफ इज इंसिडेंट लाइट। सेकेंड आपके पास क्या चीज़ है जी, आपके पास यहाँ पे जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, आप कह देंगे ये पोटेंशियल है। ठीक है, ये चीज़ होगी आपके पास। अब आपके पास चूँकि आप लाइट के साथ प्ले कर रहे हैं तो लाइट की कोई ना कोई इंटेंसिटी होगी। ठीक है, कि आप कितनी इंटेंस लाइट को फॉल करवा रहे हैं। इसी तरह से लाइट है मीन्स आपके पास, सॉरी, रेडिएशन की ही बात हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि आपने फ्रिक्वेंसी कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास चार पॉइंट हो गए, इन्हीं का आप हम देखेंगे कि किसी एक चीज़ को फिक्स करेंगे और दूसरी दूसरी चीज़ को उसके साथ स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमारे पास रिजल्ट आते हैं इसके। ओके, अगर हम अपने फर्स्ट पॉइंट को देखें, लेट्स सपोज कीजिए हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज, मैं लेके चलती हूँ इंटेंसिटी को और इसका असर मैं देख रही हूँ करंट आई पे। ठीक है, आपके सर्किट पे जैसे सर्किट कंप्लीट होगा इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे जैसे ही एनोड पे, आपको करंट मिलेगा। अब अगर आप इस चीज़ को देखें तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ अपने इस रिलेशनशिप को, दिस इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर आपके पास क्या है, करंट, यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी। ठीक है, इनका इस तरह का रिलेशनशिप ये शो करता है कि जब आपका इंटेंसिटी आपकी ज़ीरो थी तो आपका करंट ज़ीरो था, जब आपकी, अगर मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ। ठीक है, ये आपका करंट है, ये आपकी इंटेंसिटी है। इसका ये मतलब है जब आपका करंट इंटेंसिटी ज़ीरो थी तो करंट भी ज़ीरो था। इंटेंसिटी ज़ीरो मतलब ये है कि यहाँ पे कोई आपके पास वो नहीं था, लाइट ही नहीं थी, इंसिडेंट लाइट ही नहीं थी। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी की बात हो रही, ठीक है, कि आपने कितनी इंटेंस लाइट को फॉल किया। और एक और बात इसे यहाँ पे पहले भी पॉइंट में याद रखें कि दिस इज एट सम फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, दोनों चीज़ों के आपने इकट्ठे वेरी नहीं करना। ओके जी, फिक्स किसी भी फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए हमने इंटेंसिटी को वेरी किया है
और अपना करंट मैयर किया है। हम देखते हैं कि जब आपकी इंटेंसिटी जीरो मतलब इंसिडेंट लाइट नहीं है तो करंट भी नहीं होता। जैसे ही आप इंसिडेंट लाइट को बढ़ाते हैं, लेट्स सपोज ये आपने बढ़ा दिया, आपका करंट बढ़ जाता है। आपने इसको फर्दर बढ़ाया, आपका करंट बढ़ गया। आपने इसको फर्दर बढ़ाया, आपका करंट बढ़ मतलब यहाँ पे लेट्स सपोज 1 2 3 है, तो यहाँ पे 1 2। आपके पास एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है जो ये कहता है कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितनी ज़्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ा, इंटेंसिटी क्या करती है, नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करेगी, और करंट आपका बनेगा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए तो आपके पास ज़्यादा करंट मिलेगा। अगर आपके पास इंटेंसिटी कम है विच मीन्स कि आप कम इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगे और आपको करंट कितना मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, ये हमारा था पहला पॉइंट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा हमारी जो चीज़ थी, जो पॉइंट है जिसका मैंने देखा, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल और करेंट का। उसके लिए अगर मैं प्लॉट आपके सामने बनाना चाहूँ, ठीक है जी, कलर अगर चेंज करूँ थोड़ा सा, कुछ इस टाइप की आपकी जो है शक्ल पर आप पाती है। दिस इज करंट और दिस इज पोटेंशियल, मीन्स वोल्टेज अपना वी भी आप इसको लिख सकते हैं, वी कह रहे थे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जीरो है इच मीन्स कि इधर पॉजिटिव है। आप देखते हैं कि जब आप थोड़ा सा आप पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो करंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एक खास लिमिट तक पोटेंशियल के बढ़ने से आपका करंट बढ़ जाता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ये फिक्स रखनी है। एक चीज की वेरिएशन आपने चेक करनी है। अगर आप सब चीजों को वेरी करना शुरू कर देंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि किसकी वजह से एक्चुअली चेंज आ रहा है और क्या चेंज आ रहा है। आप रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं कर सकते। पहले आपने क्या किया है कि आपने अपने पोटेंशियल को भी समझा, आपका किसी एक जगह पर आपने उसको फिक्स किया हुआ है, आपकी फ्रिक्वेंसी भी फिक्स है, आप सिर्फ इंटेंसिटी को वेरी करके अपने करंट को चेक कर रहे थे। अब आप क्या कर रहे हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी भी आपने फिक्स कर दी है और आपने इंटेंसिटी भी फिक्स कर दी है, और आप चेंज किस पर देख रहे हैं, अपने करंट पर आप चेंज देखना चाहेंगे पोटेंशियल के हवाले से। पोटेंशियल को आपने जब जीरो रखा, जीरो से पहले हम अगली बात करते हैं, जीरो को बाद में डिस्कस करते हैं। अगर जीरो के अलावा अगर आप पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो सम एक्सटेंट आपका करंट इंक्रीज होता है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि आपका जो वोल्टेज है, जो आपका पोटेंशियल है, वो प्रोपोर्शनल है करंट के टू सम एक्सटेंट। ठीक है, एक लिमिट है उसके लिए। उसके बाद क्या होता है, आपका करंट स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है, आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, देयर इज नो चेंज इन द करंट। इस सिचुएशन को हम कहते हैं सैचुरेशन करंट। कि जब आप बढ़ाते जा रहे हैं अपना पोटेंशियल लेकिन आप करंट की में इंक्रीज नहीं देख रहे, ये इसका पहला पॉइंट है। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड अगर आप देखें, जब आपका पोटेंशियल जीरो है आपके करंट की क्या वैल्यू है, आपके करंट की ये वैल्यू यहाँ पे लेट्स सपोज 1 में कह रहे थे। ठीक है, माइक्रो एम्पियर में हम इसको इसकी बात करें कि माइक्रो एम्पियर का करंट हो तो 1। आप ये देखते हैं कि जब आपके पास पोटेंशियल जीरो होता है तब भी आपका करंट जीरो नहीं होता। ये बात हम ऑलरेडी बड़ी डिटेल से हमने अपने सेटअप को सामने रखते हुए की थी कि क्यों ऐसा होता है कि जब पोटेंशियल जीरो हो जाए तो करंट जीरो नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि आपका पोटेंशियल बेसिकली इलेक्ट्रॉन को क्रिएट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को वो एमिट नहीं करवा रहा है, वो इंटेंसिटी करवा रही थी। ठीक है, तो जब आपके पास अपने पोटेंशियल क्या है, अगर मैं इस फिगर पे वापस आ जाऊँ, बेसिकली पोटेंशियल आपका क्या है, पोटेंशियल क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन है इसको एक पुश देता है कि ये एनोड की तरफ चला जाए, ज़्यादा जल्दी से चला जाए। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, तो इसको किसी पुश की जरूरत नहीं है, ये विदाउट एनी पुश एनोड पे पहुंच जाएगा।
पर अगर विदाउट एनी पुश एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है यहाँ पे, करंट रिकॉर्ड हो जाता है, विच मीन्स कि उस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी कि वो विदाउट एनी पुश वो एनोड पे पहुंच गया है कैथोड से, और ये आपको करंट मिलना शुरू करता है। इसी वजह से आपके पास जीरो पोटेंशियल पे करंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम इसको दूसरी साइड पे बढ़ा दें, इसको मैं यहाँ से तो यहाँ पे आके अब आपके पास क्या होता है, अब आपका करंट जीरो हो गया है यहाँ पे। ये आपका कोई पॉइंट है, इधर अगर इधर आपका पोटेंशियल पॉजिटिव है तो जीरो की साइड का पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। तो एट सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल आपका जो करंट है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। इस पोटेंशियल को एक्चुअली हम कहते हैं लूनेस, से हमारे पास तीन पॉइंट आ जाते हैं कि जब आप शुरू में एक ही था, आप थोड़ा ज़्यादा आप पोटेंशियल को जैसे इंक्रीज करते हैं उसके साथ थोड़ा सा करंट बढ़ जाता है किसी एक हद तक, उसके बाद सेचुरेशन मिलना चाहिए क्योंकि आपकी इंटेंसिटी फिक्स है। इंटेंसिटी वही नहीं करेंगे तो एक खास जगह पर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको फर्दर करंट में इंक्रीज नहीं मिलता, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट इसका ये था, वो ये था कि थोड़ा किसी हद तक पोटेंशियल के साथ करंट इंक्रीज करता है, फिर ये था कि सर्टेन पोटेंशियल में पहुंच के आपका करंट फर्दर राइज नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि मजीद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे, एमिट नहीं हो रहे सरफेस से, और उसके अलावा आपका जो करंट है वो किसी एक नेगेटिव पोटेंशियल पे जाके जीरो हो जाता है, और उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी जो आपका पोटेंशियल है ये नेगेटिव साइड पे जीरो क्यों हो जाता है, इसकी भी हमने डिटेल से डिस्कस किया है, मैं थोड़ा सा फिर इसको आपको बता दूं। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब है कि आपने इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया, क्यों उलट दिया आपने। अब यहाँ पे पहले क्या था, नेगेटिव, ये भी था नेगेटिव, तो इनके दरमियान में क्या था, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये इसलिए पुश करता था इधर जाओ इधर जाओ, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको पॉजिटिव कर दिया और ये नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। जो पार्टिकल जितना करीब है वो तो उतना जल्दी उधर आ जाएगा, कुछ पार्टिकल जिनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी उनको अपने पास लाने के लिए ये अपने एक कोई पोटेंशियल अप्लाई करेगा किसी एक, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये हमारे तीन ओके कंक्लूजन जो कि पोटेंशियल के हवाले से। अब हम फ्रीक्वेंसी का देखते हैं एक्शन, इस पर फ्रीक्वेंसी क्या करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा आपके पास आपने कोई थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी पहले ली है तो आप देखते हैं कि अगर आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक मिशन स्टार्ट नहीं होता, आप जितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दें आपका मिशन स्टार्ट नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपके पास एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी आती है उसके बाद एकदम से ही जो उसका जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका ये मतलब है कि आपको एक मिनिमम अमाउंट, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, फोटो उसको मिशन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। ये सॉर्ट ऑफ मिनिमम एनर्जी जो कि एक इलेक्ट्रॉन को अपने सरफेस छोड़ने के लिए चाहिए होती है वो ये फ्रीक्वेंसी आपको देती है, ठीक है। अगर आप इसको देखें, आपने एक मतलब ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट है कि आपके पास आप अपनी फ्रीक्वेंसी को आपने लेट्स सपोज किसी पहली किसी मैं कहती हूँ वन किसी एक पहली पर रखा और फिर आपने देखा कि आपका ये आई है और ये इंटेंसिटी है, ठीक है। अब जब आप क्या करते हैं करंट न्यू वन पे आपने इंटेंसिटी को जीरो रखा, आप ये बढ़ाते चले गए वन टू थ्री फोर फाइव, लेकिन आप देखते हैं कि आपको करंट की वैल्यू जीरो ही रहती है, वो नहीं पड़ती। फिर आप इस अपने सिस्टम को न्यू टू, अब जो इंसिडेंट लाइट है उसको दूसरी फ्रिक्वेंसी पर सेट करते हैं, दैट इज़ न्यू टू जो कि न्यू वन से बड़ी है। अब आपके पास क्या होता है, आपको करंट मिलना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं आपका करंट बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका ये मतलब है कि यू नीड सर्टेन
जिसको हमने सूटेबल फ्रीक्वेंसी कहा था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो एमिशन या फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्या होता है, अब आप इसको देखते हैं, अगर आप किसी चीज़ को आप देखें तो फिर उसके बाद इंटेंसिटी इफेक्टिव होती है, अगर ये नहीं आता तो इंटेंसिटी आपकी काम नहीं करती। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल का रिलेशनशिप। जी, अब हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी का जो हमारा रिलेशनशिप है वो पोटेंशियल के साथ क्या है। ठीक है, अगर मैं इसी डायग्राम को जो हमने पहले बनाई थी करंट और पोटेंशियल की, अगर हम उसको देखें किसी एक फ्रीक्वेंसी के लिए, लेट्स सपोज कि आपके पास ये रीडिंग है, ठीक है, ये आपकी सैचुरेशन करंट है और वोल्टेज के साथ यहाँ पे मैं भी लिख देती हूँ कि हमारा करंट आई है, और अगर आप इसको इधर से बढ़ाते हैं तो आपके पास ऐसी कोई वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे करंट जीरो हो जाता है, उनका इस टॉपिक पोटेंशियल। अब ये जो ग्रीन वाला है ये किसी एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के लिए, न्यू वन लेट सपोज मैं कहती हूँ, अगर मैं एक और फ्रिक्वेंसी लेकर आती हूँ कि इससे ज़्यादा है और उसका मैं इस पर देखूँ कि क्या रिलेशनशिप आता है तो उसकी कुछ इस टाइप की शेप बनती है। ठीक है, अब ये क्या है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल के, लेकिन आपको सैचुरेशन करंट वही मिलती है। होता क्या है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी क्लास में बहुत डिटेल से डिस्कस की थी, जहाँ मैं ज़रा ब्रीफली उसको आपके सामने रिवाइज करती हूँ कि अगर आपके पास ये कोई आपका वो है इलेक्ट्रॉन है और इसके पास इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है तो इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इसको यहाँ तक अट्रैक्ट करने के लिए या एनोड से रोकने के लिए, इस पोटेंशियल को ज़्यादा आपको पोटेंशियल चाहिए होगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कि आपके पास लेस फ्रिक्वेंसी का कोई आपकी लाइट फॉल की है तो उसने जो एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन्स को, एक कुछ एनर्जी तो यहाँ पे यूज होगी यहाँ से इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन फॉर्मेट करने के लिए, बाकी सबके सब उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो वो ऑलरेडी वो दौड़ दौड़ के क्या करते हैं, एनोड में पहुंच जाते हैं, पर वहां से उसको एनोड से रोकने के लिए यू नीड मोर पोटेंशियल। इससे जैसे आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। ठीक है जी, इसका ये हमारे एक्चुअली ऑब्जर्वेशन थे डिफरेंट, जो हमने जो चीज़ें अप्लाई की थी उनकी बेस पे हमने कुछ अपने चीज़ों को चेक किया है। यहीं पर हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी देखी है कि यू नीड मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जहाँ पर आपके फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू होते हैं। ठीक है जी, और अगर इन्हीं जो हमने काम किया है इनको मैं दोबारा करूँगा आपके सामने कि हमें क्या कुछ मिला है, तो स्टोरी इस तरह से है कि फॉर गिवन सब्सटेंस जो भी आपको कोई जिस पर अगर तो आपकी वैल्यू से कम हो तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, एनर्जी, यू नीड सर्टेन मिनिमम एनर्जी कि आप किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा दें। ठीक है, अगर आपके पास उससे कम एनर्जी का फोटॉन अगर आप मेटल सरफेस पे फॉल करवाते हैं तो जितना ज्यादा चाहे आप अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें वहां से कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, और जैसे ही आप उस मिनिमम एनर्जी को अचीव कर लेते हैं फिर आपके जो करंट है उसकी वैल्यू टोटली डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे। ज्यादा आप इंटेंसिटी करेंगे आपका करंट बढ़ जाएगा, आप इंटेंसिटी को कम करेंगे करंट कम हो जाएगा। ठीक है जी, द नंबर, अगर दूसरा ऑब्जर्वेशन की अगर बात करूँ, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसीज अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस बात का आप याद रखना, मैंने उसकी डेफिनेशन में भी सूटेबल फ्रीक्वेंसी का डिस्कस किया, कवर होता है, बेसिकली ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है विच इज नीडेड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड बाय द आपका जो इंसिडेंट लाइट दे रही थी, प्रोवाइडिंग आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो किस पे डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। दोनों सूरतों में आपकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो।
ठीक है, अगर वो उससे कम है फिर तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही आपके पास नहीं है, फिर तो आपकी स्टोरी वैसे ही कोई उसमें वो नहीं रहती है, कोई काम की बात ही नहीं है कि हम जिसको समझ सके। ठीक है जी, ओके। अब हम नेक्स्ट हम किस चीज से पहुंचे हैं, द प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है कि ये एज सून एज फोटोन हिट करता है सुटेबल फ्रिक्वेंसी का मेटल सरफेस को, राइट अवे वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और इस एमिशन को आप कहते हैं वन टू वन, कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, जो उसके पास फर्दर एनर्जी होती है वो ये नहीं होता कि किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को मिल जाए वहाँ से निकालने के लिए, बाकी जो भी एनर्जी मिलती है जो उस फोटॉन के पास होती है वो सारी की सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी में उसको वो से कर देता है। ठीक है जी, अच्छा अब हम ये वो कंक्लूजन थे जो हमने ड्रॉ किए इन्हीं सारे अपने ऑब्जर्वेशन से। अब हम देखते हैं कि आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्या एक्सप्लेनेशन दी थी। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली आइंस्टाइन ने डिस्कवर नहीं किया था, ये वो एक्सपेरिमेंट था जो कि जिसके बारे में आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे अपने एग्जिस्टिंग फिजिक्स के साथ, क्लासिकल फिजिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो आइंस्टाइन ने इसकी एक्सप्लेनेशन की एक अटैम्प्ट की थी। हम उसको देखते हैं कि वो क्या था। आइंस्टाइन का ये कहना है कि आपके पास एक फोटॉन ऑफ एनर्जी एच न्यू, ये क्या है, आपके पास कोई फोटॉन है वो मेटल सरफेस पे फॉल करता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसके पास है एनर्जी है एच न्यू, ये जो एच न्यू एनर्जी है ये अब कहाँ यूटिलाइज होगी, फर्स्ट ये यूटिलाइज होगी इसका कुछ पोर्शन, ये जो मेटल सरफेस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से हैं, मेटल्स कंपोज ऑफ एटम्स, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो उसके लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो अपनी सरफेस के साथ एक बाउंड है, उसके साथ बाइंड है, आपको एनर्जी चाहिए उसको वहाँ से खींचने के लिए, वहाँ से रिलीज करवाने के लिए। ठीक है, उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी होती है रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है, तो ये इसको इस चीज़ को हम अगर इसको कहते हैं वर्क फंक्शन को, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। न्यू नॉट एच क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट है, फाई क्या है, वर्क फंक्शन है, बाकी जो एनर्जी होती है ये टोटल एनर्जी आपकी, बाकी जो एनर्जी है वो कहाँ चली जाती है, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, वो बाकी सारी आपकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखें तो एच न्यू कलर चेंज करना चाह रही हूँ, ओके जी, टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है, एच न्यू। ठीक है, ये फॉल की थी, ये क्या है, पार्ट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम कहाँ पर, वर्क फंक्शन में। वर्क फंक्शन क्या है, वो मिनिमम एनर्जी है जो कि आपको चाहिए है एक इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस से निकालने के लिए। ठीक है, दिस इज वर्क फंक्शन। प्लस हमने कहा बाकी सारी एनर्जी कहाँ चली जाती है, काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम, इसलिए लिखते हैं कि आपकी जो भी बची हुई एनर्जी वो सारी की सारी वहाँ पर जा रही है। एम क्या है, मास है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है जी, और वी उसकी वेलोसिटी है। अब हम देखते हैं इसको कि यहाँ पे अगर मैं फाई की वैल्यू रिप्लेस करूँ, दैट इज एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, तो अगर अब मैं काइनेटिक एनर्जी को इधर ले जाऊँ, आप अगर इस इक्वेशन को मैं सिर्फ दो तीन लाइनों की एक रीअरेंजमेंट है इसको अगर आप मेरे साथ करेंगे तो आपको एक आसानी से बात समझ आ जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं। अब हाफ एम वी स्क्वायर जो काइनेटिक सॉरी मैक्सिमम आप एम लिखते तो स्क्वायर है, ये किसके बराबर आ जाएगा, एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू, यही होगा, नहीं सॉरी उल्टा लिखते हैं मैंने, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। इसका क्या मतलब है कि अगर आप यहाँ से एच को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ रही, सबके पास इसको आप देख लें। अब इसको अगर आप जो हम चीज़ देख चुके हैं इसको हम यहाँ पे अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर अब आप अपनी इस इक्वेशन को देखें, न्यू माइनस न्यू नॉट,
अगर आपका न्यू ग्रेटर हो जाए, बल्कि ग्रेटर से काम समझ नहीं आता, अगर आपका न्यू न्यू क्या था आपका, आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, ये लेस हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन क्या आती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव जो चीज़ें आपकी ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करती हैं, उनके नेगेटिव एनर्जी के नेगेटिव होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब है कि ये ट्रू नहीं है, इसका ये मतलब होगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा ही नहीं। वो कब होगा, जब आपके पास ऑफ कोर्स कोई वैलिड आप इक्वेशन बनाते हैं कि जब आपके पास आपका जो न्यू है दैट इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है जी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या है, दैट इज द मिनिमम एनर्जी जिस पर आपके इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट लाइट की वजह से एमिट होते हैं किसी मेटल सरफेस से। ठीक है जी, अब इलेक्ट्रॉन क्या, अब ये क्या करते हैं, आइंस्टीन का ये कहना था कि ये वन टू वन है इंट्रैक्शन, इसका ये मतलब है एक फोटॉन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को अमिट करता है। ठीक है, और क्या होता है उसकी उसकी एनर्जी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है, ऊपर जो आइंस्टाइन ने आपको इक्वेशन दी है जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से उसने निकाली है कि आपके पास जो भी उसकी एनर्जी होगी आधी एनर्जी वर्क फंक्शन में यूज होगी, बाकी सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अभी जो कलिजन है इसको हमने देखा कि जो जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जैसे ही लाइट हिट करती है मेटल सरफेस को, राइट अवे वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। जो इसका डिले है वो 10^-4 सेकेंड का है। ठीक है, ये एक चीज़ है जिसकी बेस पे आप ये कहते हैं कि आपकी ये जो फोटॉन है वो पार्टिकल लाइट बिहेव करता है, होना ही चाहिए था वो एनर्जी अब्जॉर्ब करे, अब्जॉर्ब करने के बाद अगला जैसे लाइट का एक उसका बिहेवियर होता है। यहाँ पे जिस तरह से इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल आता है दूसरे पार्टिकल को एमिट कर देता है, और जैसे दो पार्टिकल अपने जैसे स्ट्राइक करते हैं और राइट अवे पार्टिकल एमिट होता है, इसका जो टाइम लैग है वो बहुत कम है, बल्कि आप समझें कि ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस कहलाता है। तो इस सब पे बन जाता है कि फोटॉन या लाइट हैज पार्टिकल नेचर। वेव नेचर का तो हमें ऑलरेडी पता था, ये जो रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ये सारी वेव लाइक प्रॉपर्टी है। लाइट को आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन से पहले तक ये कंसिडर किया जाता था, ये समझा जाता था कि लाइट इज जस्ट अ वेव। ठीक है, लेकिन आइंस्टाइन जो एक्सप्लेनेशन दी है उसमें उसने उसको लाइट को पार्टिकल कंसिडर किया है कि लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल। तो इस एक्सप्लेनेशन से या ये जो सारी डिस्कशन थी इससे एक्चुअली हमें पता ये चला कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वो किसी जगह पर पार्टिकल लाइक बिहेव करती है जस्ट लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और किसी जगह पर वो वेव लाइक बिहेव करती है। उसके भी डिफरेंट फिनोमेना हैं जो हम देख चुके हैं या जिनको हम कर सकते हैं। तो ये जो आज की हमारी डिस्कशन थी इसमें आप समझे कि हमने वो सब कुछ डिस्कस किया है जो कि हमें चाहिए था अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए और उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए कि हम उसके कहाँ से हम उनके कौन से एंड पॉइंट्स पर पहुँचे हैं। ठीक है, आप इसको देखिए, इसको स्टडी करें, और अगर आपको इसमें से कोई पॉइंट फर्दर आप तो कि हमने सारे जो पॉइंट्स ऊपर मैंने इसलिए उनको क्विक रिव्यू इनका किया था कि ये हमने क्लास में अपने दो लेक्चर्स में बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया था कि क्या असर होता है फ्रीक्वेंसी का, किस तरह से आपकी इंटेंसिटी और करंट का आपस में रिलेशनशिप आता है, पोटेंशियल किस तरह से उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से अपना वो पोटेंशियल एक रोल प्ले करता है, कहीं पर वो पुश देता है और कहीं पर वो पुल करता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस की हैं। इन केस अगर आपको इस पे फिर कोई इशू है, ये चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तो आप उसको दोबारा अभी हम अपने डिस्कशन सेशन में जाएंगे तो आप इसको दोबारा मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।